हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास विथ मी, दैट इज विथ उपेंद्र कुमार सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम भागवत विद्यापीठ छपरा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर ट्रायंगल फॉर द क्लास 10th। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर पॉलीगॉन्स और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रिजल्ट्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स को में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। थेल्स के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ा था। ही वॉज द ग्रेट मैथमेटिशियन। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अर्थात यदि हम लोग किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसा कि यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक, गिवन दिया हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी में डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है। डीई किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। टू प्रूव डैट, हम लोग को प्रूव करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई सी ई या इसी। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि बी से ई को ज्वाइन करेंगे और सी से डी को ज्वाइन करेंगे। बी से ई को ज्वाइन करेंगे और सी से डी को ज्वाइन करेंगे। ऑल्सो डी से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर और ई से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर। तो ज्वाइंट बी ई एंड सी डी ऑल्सो ड्रॉन ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूफ, लास्ट क्लास में क्लास 9th में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था। क्या था थ्योरम? थ्योरम था कि इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया विल बी इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी ई डी आर ऑन द सेम बेस डी ई। ट्रायंगल बी ई डी और ट्रायंगल सी ई डी जो है वो दोनों सेम बेस पर है डी ई पर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी। डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी ई डी जो है वो सेम बेस डी ई पर हुए और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हुए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर लेफ्ट साइड में चाहिए ए डी बाई डी 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 बी। तो ए डी को लेते हुए ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग ए डी ई और बी डी को लेते हुए ट्रायंगल लिए बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल। अब देखिए यहाँ जो ट्रायंगल बी डी ई जो दिख रहा है, यह जो ट्रायंगल है यह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल से जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। इसलिए ट्रायंगल बी डी ई में जो परपेंडिकुलर जो हुआ हाइट जो हुआ वो ई एल हुआ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल।
चूँकि आप सब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पर 1/2 से 1/2 को काट देंगे, EL से EL को काट देंगे। इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई DB। इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 2 ले लेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग लेंगे ADE और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू DM होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू 1/2 इंटू CE या EC इंटू DM होगा। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और DM से DM कट जाएगा। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू AE बाई EC। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं। BDE क्यों लिख सकते हैं CED की जगह पर? क्योंकि इसको हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 माने थे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED की जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिखेंगे इज इक्वल टू AE बाई EC। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो इक्वेशन 2 और 3 को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट भी इक्वल होगा। इस तरह से AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो प्रूफ हुआ। इस तरह से हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूफ किए। थेल्स थ्योरम के आधार पर कोरोलरीज हैं, जैसे कि इन ट्रायंगल ABC अलाइन DE पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। देन प्रूफ डेट, फर्स्ट में प्रूफ करना है कि AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। AB बाई DB, AB पूरा हो गया साइड हम लोग पहले किए थे, ये AD बाई BD, लेकिन यहाँ पर AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई CE प्रूफ करना है। तो यहाँ भी फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। यहाँ पर मैं कहूँगा बच्चों से कि थ्योरम्स जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो केवल स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट के आधार पे हम लोगों को डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम के बाद हम लोग गिवेन जो होगा स्टेटमेंट के आधार पे उसको नोट करते हैं, फिर जो प्रूफ करना होता है उसको नोट करते हैं, यदि रिक्वायरमेंट होगा तो कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ, और सब कुछ सिस्टमेटिक वे में करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले डायग्राम बनाया, फिर गिवेन लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC BC पैरेलल टू DE। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेंगे। AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC, सेकेंड में AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC में, सिंस DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। थेल्स थ्योरम से इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं। यहाँ पर हमने इस डायग्राम को दोबारा बनाया हुआ है। डायग्राम सामने रहता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हम लोगों ने लिखा था, लास्ट पेज में था, इसको इक्वेशन 1 लिए थे। बोथ साइड में यदि हम लोग 1 को प्लस करते हैं तो उसके इक्वालिटी पे कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पर DB LCM हो जाएगा। इस तरह से DB DB कट जाएगा, फिर AD प्लस यहाँ पर हम लोग DB से 1 को मल्टीप्लाई करें तो DB इज इक्वल टू वैसे ही CEC जो है वो LCM हो जाएगा। इस तरह से AE प्लस EC। अब आप ध्यान देंगे कि AD प्लस DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। AD प्लस DB इक्वल टू AC, तो AD प्लस DB इज इक्वल टू AB बाई BD और इस तरह से AE प्लस EC इज इक्वल टू AC होगा। तो AE प्लस EC इज इक्वल टू AC बाई EC, पहला प्रूव्ड हो गया। नाउ जो इक्वेशन 1 था हम लोगों का AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, इसको लेकर चलते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड में। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो DB बाई AD हो जाएगा और EC बाई AE हो जाएगा। अगेन हम लोग बोथ साइड में 1 को प्लस करेंगे, 1 प्लस करने के बाद यहाँ पर LCM AD हो जाएगा। इस तरह से DB प्लस AD इज इक्वल टू
यहाँ भी एलसीएम ए ई हो जाएगा इस तरह से ई सी प्लस ए ई। डी बी और ए डी को फिर हम लोग ऐड करेंगे, डी बी और ए डी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, और वैसे ही ई सी और ए ई को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इस तरह से प्रूफ हुआ। तो थेल्स थ्योरम के रेस्पेक्ट में यह कोरोलेरी है जिसको अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों का है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक लाइन जैसे कि डी है वो ए बी और ए सी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रहा है, और इस तरह से काट रहा है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई, देन डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, जिसे हम लोग प्रूफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पर फिगर बनाया गया है और गिवेन है इन ट्रायंगल ए बी सी एलाइन डी ई, एलाइन डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए एट ई सच दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। फिर से यहाँ पर फिगर बनाया गया है, इस पेज में भी प्रूफ करना है हम लोग को डी बाई बी सी। क्या प्रूफ करना है, डी बाई बी सी कंस्ट्रक्शन इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो लेट डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। हम लोग मान लिया यहाँ पे कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, देन ड्रॉन डी एफ पैरेलल टू बी सी। तब हम लोग क्या किए, डी एफ पैरेलल ड्रॉ किए हैं बी सी के। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी सिंस डी एफ पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन देयर फोर ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ या एफ सी बाई थेल्स थ्योरम, इसको इक्वेशन वन मान लिए। बट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी जो कि गिवेन था। तो फ्रॉम वन एंड टू से, फ्रॉम वन एंड टू में हम लोग देखते हैं कि बोथ के राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। इस तरह से एफ बाई एफ सी इक्वल टू ए बाई ई सी होगा। हम लोग बोथ साइड में वन को प्लस करते हैं तो यहाँ एफ सी एल सी एम हो जाएगा, तो एफ प्लस एफ सी हो जाएगा यहाँ पर, और इधर जो है राइट साइड में सी ई एल सी एम हो जाएगा, तो ए प्लस सी। फिर ए एफ प्लस एफ सी को ऐड करेंगे तो ए सी होगा यहाँ पर, वैसे ही ए ई प्लस सी को ऐड करेंगे तो ए सी होगा। तो ए सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, यहाँ पर ए सी कट जाएगा तो वन बाई एफ सी इज इक्वल टू वन बाई ई सी होगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी। इट इज़ पॉसिबल ओनली वेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड, ये तभी संभव है कि जब ई और एफ जो है कोइंसाइड हो, यानी कि सी ई इज इक्वल टू सी एफ तभी होगा जब ई और एफ कोइंसाइड होगा, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब हम लोग यहाँ पर सपोजिशन जो था वो रॉन्ग हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या सपोज किए थे कि डी एफ पैरेलल टू बी सी, यानी कि डी एफ जब बी सी के पैरेलल नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूव। इस तरह से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी प्रूव हुआ। तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ कहूँगा कि थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोथ थ्योरम्स आर इक्वली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ थ्योरम्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए दो बार चार बार पांच बार, ताकि आप एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और पेन उठाइए और इसको प्रूफ कर दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।